الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم وسلم عليه اياك نعبد واياك نستعين. मैं ये जो इलेक्शन हमारा PP7 का है ये डिफाइनिंग मोमेंट है क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान की तरक्की का बयानिया है, यूथ की तरक्की का बयानिया है, गुलामी से निजात का बयानिया है। इमरान खान किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं बल्कि वो कहते हैं हमें दोस्ती के साथ जो है ना दोस्ती हमारे साथ करो, हमारे साथ वी आर सॉवरेन कंट्री और हमारे साथ जो है वो उस तरह हमें ट्रीट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम फोबिया का जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट था उसको इमरान खान ने क्लियर किया और UNO की जो जनरल असम्बली है वहाँ भी उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बताया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है और पूरी दुनिया में जो है इसकी जो है ये गूंज हुई है। और इवन रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है उसने भी कहा कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। अभी ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, देखें वेस्ट में कभी किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो वहाँ से रिज़ाइन करता है। ये मुलज़म है, बाप भी मुलज़म है, बेटा भी मुलज़म है और इन कुर्सियाँ संभाली हुई। और महंगाई का तूफान, जब ये 140 रुपये पेट्रोल था तो इन्होंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक महंगाई का मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया, तो अभी इनको नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई का तूफान है, पेट्रोल किधर पहुँच गया है, डीजल किधर पहुँच गया है। तो इनको जो है शर्म आनी चाहिए कि ये कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। जितने भी ये इलेक्शन हो रहे हैं 20, इसमें जो इंशाल्लाह ताला हमारी जीत होगी और इमरान के बयानिया की जो है वो एक्सेप्टेंस का दिन होगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 22 करोड़ अवाम जो है इमरान के साथ खड़ी होगी है और इंशाल्लाह ताला इमरान कामयाब होगा और पाकिस्तान कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच।